मॉर्निंग एवरीवन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। कल का जो आपका लेक्चर था, ओके, वी हैव डील विद द कांसेप्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन को हमने कल खत्म किया था। आज का जो आपका लेक्चर है, वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दैट पार्ट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ हम डील करने वाले हैं। कल का अगर लेक्चर याद होगा तो मिड ब्रेन को डिटेल में पढ़ा था, हाइंड ब्रेन को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, एंड फाइनली वी हैव स्टडीड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है, उन वेंट्रिकल्स के कंसेप्ट को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो आज का जैसे मैं लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, ओके, वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड पार्ट। द नेम ऑफ द पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो डायग्राम ले लेते हैं सबसे पहले, तो अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जो डायग्राम है वो फिलहाल तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, जो अवेलेबल है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां से हमको एक प्रॉपर डायग्राम मिल सकता है पॉसिबली। तो ये रफली आपके स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, कुछ इस तरह से। इसको इस साइड में रख देता हूं। वी आर इंटरेस्टेड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले तो हम स्पाइनल कॉर्ड की क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी के साथ डील करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जब इस स्पाइनल कॉर्ड के कंसेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके, तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मेरा पहला पॉइंट यहां पे ये रहेगा, इट इज द पोस्टेरियर इलोंगेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कल भी मैंने आपको बताया था, पोस्टेरियर इलोंगेशन है कौन से पार्ट का, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर यह दिख रहा है आपको। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, ओके, द स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट, इसका जो कलर होगा ये होता है व्हाइटिश, देन ये थोड़ा सा कैसे देखने को मिलेगा आपको, थिक देखने को मिलेगा, एंड द स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक अ रॉड और इट इज हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप। स्ट्रक्चर का जो शेप है वो रॉड लाइक दिखेगा या फिर किस तरह दिखने वाला है आपको, सिलेंड्रिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ लेना है, मॉर्फोलॉजी मतलब हम इंटरेस्टेड है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट, व्हाइटिश, थिक, रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल इन शेप। वन मोर पॉइंट, योर स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड योर वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, और अंदर से ये जो स्ट्रक्चर है रेड, बाद में पर्पल और फिर थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है अंदर के साइड में, ओके, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो मैं बोल रहा हूं कि योर स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट पासेस फ्रॉम न्यूरल कैनल। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्री से बना हुआ है, और वर्टिब्री जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, टोटल 33 वर्टिब्री आर देयर, और ये वर्टिब्री के अंदर एक स्पेस आपको मिलेगा, उस स्पेस में से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होगा। सो वो जो अंदर का स्पेस है जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, उस स्पेस को क्या बोल रहा है आपको, न्यूरल कैनल। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेंट्रल कैनल एंड न्यूरल कैनल। कल बताया था द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनल ऐसा बोलते हैं, और जिस स्पेस के थ्रू आपका
स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से पास हो रहा है, उस स्पेस को मैं बोल रहा हूं न्यूरल कैनल। बाद में बात करेंगे। द एवरेज लेंथ ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड इज 42 to 45 सेंटीमीटर्स इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट। अडल्ट की बॉडी में अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ लेते हैं तो उसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 42 to 45 सेंटीमीटर। ओके, देन इसका एवरेज डायामीटर होता है 1.8 to 2 सेंटीमीटर, वेरी मच सिमिलर टू द डायामीटर ऑफ यूअर लिटल फिंगर। आपके लिटल फिंगर का जितना डायामीटर है, ये जो लिटिल फिंगर है उसका जितना डायमीटर है, उसका जितना थिकनेस है, उतना ही थिकनेस जो है वो आपके किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। देन एवरेज वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 35 grams। स्पाइनल कॉर्ड का जो एवरेज वेट होता है अडल्ट के बॉडी में वो कितना होने वाला है, 35 grams होगा। ओके, वन मोर पॉइंट, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज गोइंग टू शो टू स्वेलिंग्स, मतलब जो डायामीटर है इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। रफली आई कैन ड्रॉ डायग्राम हियर, एक रफ डायग्राम यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बता सकता हूं। ओके, द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो डायामीटर अगर आप देख रहे हो तो यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ ये स्वेलिंग दिख रही है और नीचे की तरफ एक स्वेलिंग दिख रहा है। तो टोटल कितने स्वेलिंग्स होते हैं, 2 स्वेलिंग्स होते हैं, जिसमें अपर स्वेलिंग को आपको नाम देना है सर्वाइकल स्वेलिंग, जो आपके नेक रीजन में होती है, और ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है दिस इज नेम्ड एज लंबार स्वेलिंग। ये जो लंबार स्वेलिंग है दिस इज फाउंड इन योर यू कैन से अपर एब्डोमिनल रीजन, बैक साइड में जो अपर एब्डोमेन है उसके वहां पे पीछे के साइड में। ओके, आपको मिलेगी लंबार स्वेलिंग और ऊपर के साइड में नेक रीजन में आपको मिलेगी सर्वाइकल स्वेलिंग। तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्वेलिंग्स यू कैन फाइंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, 2 स्वेलिंग्स। अपर कौन सी है, लोअर कौन सी है, पता होना चाहिए। अपर स्वेलिंग को आपको नाम देना है सर्वाइकल स्वेलिंग एंड द लोअर वन इज कॉल्ड लंबार स्वेलिंग। नाउ अगला पॉइंट क्या है, योर स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड लंबार वर्टिब्रा। टोटल नंबर ऑफ लंबार वर्टिब्री आर 5, तो उसमें जो सेकेंड लंबार वर्टिब्रा है वहां से, ओके सॉरी, एक्सटेंड्स फ्रॉम यूर मेडुला ऑब्लोंगेटा, सॉरी फॉर दिस, ये स्टार्ट कहां से होगा, तो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से, एंड इट विल रन अप टू सेकेंड लंबार वर्टिब्रा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होगा और नीचे कहां तक एक्सटेंड करेगा, वो आपके सेकेंड लंबार वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करने वाला है। एंड आफ्टर सेकेंड लंबार वर्टिब्रा इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर वेरी मच सिमिलर टू हॉर्स टेल। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ओके, हॉर्स टेल की तरह। तो ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाडा इक्वाइना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको, क्वाडा इक्वाइना ऐसा बोलना है। क्वाडा का मतलब होता है टेल, इक्वाइना का मतलब होता है हॉर्स। क्वाडा का मतलब क्या लेना है, टेल, ओके, इक्वाइना का मतलब क्या होता है, हॉर्स। हॉर्स की टेल की तरह दिख रहा है इसलिए क्या बोलना है, क्वाडा इक्वाइना। एंड द टर्मिनल लास्ट पार्ट ऑफ यूर स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज फाइलम टर्मिनली। जो सबसे लास्ट पार्ट है उस सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, फाइलम टर्मिनली ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको स्पाइनल कॉर्ड के मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होने चाहिए। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से सीधा ये स्पाइनल कॉर्ड आपका स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल सा चीज है, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने बोला इट इज अ पोस्टेरियर इलोंगेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा पॉइंट मैंने बोला स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट, व्हाइटिश, थिक, रॉड लाइक एंड सिलेंड्रिकल, वेल प्रोटेक्टेड इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज पासिंग थ्रू न्यूरल कैनल। एवरेज लेंथ कितनी है, 40 to 45 सेंटीमीटर्स। ओके, डायमीटर जो है वो कितना है, 1.8 to 2 सेंटीमीटर, वेरी मच सिमिलर टू द डायमीटर ऑफ लिटिल फिंगर। एवरेज वेट कितना है स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो है 35 grams। कितने स्वेलिंग्स है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो मैं बोल रहा हूं 2 इंपॉर्टेंट स्वेलिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन दैट, वन इज कॉल्ड एज सर्वाइकल स्वेलिंग अपर वन, एंड द लोअर वन इज कॉल्ड एज लंबार स्वेलिंग। उसके बाद आपने कहा कि ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, so it is starting from medulla oblongata up to second lumbar vertebra।
After second lumbar vertebra, spinal cord is producing a structure similar to horse tail. वो जो horse tail की तरह दिखने वाला part है, उस part को आपको बोलना है quadra equina. Quadra का मतलब क्या हो रहा है? Tail हो रहा है. Equina का मतलब क्या हो रहा है? Horse. And finally, जो last terminal part है आपके spinal cord का, उसको हम बोलने वाले हैं phylum terminali. जो सबसे last वाला end होता है, उस end को मैंने क्या नाम दिया है? Phylum terminali ऐसा नाम दिया है. तो ये हो गया इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर था. ओके आगे अगला जो पार्ट है वो है आपके स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर. मतलब हमको आपके स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करनी है हिस्टोलॉजी. अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम. ओके वी आर इंटरेस्टेड इन हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ओके तो उसका भी एक डायग्राम ले लेते हैं सबसे पहले. तो देख लेंगे इसको भी क्या है. चलो स्पाइनल कॉर्ड का टीएस हमको देखना है और ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम जो है वो देख लेते हैं. तो आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो टीएस है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. चलो ये है स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ओके सो माय पॉइंट इज, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, हिस्टोलॉजिकली योर स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ ओनली टू पार्ट्स. सिर्फ दो पार्ट से बना हुआ है. ओके वन इज द ग्रे मैटर एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाइट मैटर. माई फर्स्ट पॉइंट इन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ओके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव टेकन द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यहां पे ये जो है वो रैबिट का दिख रहा है लेकिन वेरी मच सिमिलर टू द ह्यूमंस आल्सो. ह्यूमंस में भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको. ओके डायग्राम एग्जैक्टली सेम होता है, कोई चेंज नहीं है. तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है हिस्टोलॉजिकली कितने पार्ट से बना हुआ है? दो पार्ट से बना हुआ है. एक पार्ट है आपका ग्रे मैटर और दूसरा पार्ट है आपका व्हाइट मैटर. अब ये बहुत बार हो चुका है, ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं. ओके जो आपका ग्रे मैटर है इट इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल कैनल. चलो देखते हैं यहां पर. देखो ये जो स्ट्रक्चर में यहां पर पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं. ओके दिस इज द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का मैं बोल रहा हूं क्या है, सेंट्रल कैनल, कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और इसके अराउंड ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा अप्रोक्सीमेटली, मैं अभी ये वापस डॉटेड पोर्शन से शो कर रहा हूं. ओके डायग्राम के ऊपर मैं कुछ डॉट्स बना रहा हूं. तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका पूरा का पूरा कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर है. ओके एंड दिस ग्रे मैटर forms a yet-shaped structure. ये जो ग्रे मैटर है किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है? यट शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. ऊपर की तरफ ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न्स. हॉर्न का मतलब होता है सींग, सींग की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ है तो इसलिए इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, डॉर्सल हॉर्न्स. और नीचे की तरफ भी आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. Okay, these two structures are called ventral horns. So there are two dorsal horns and two ventral horns. जो ग्रे मैटर है वो दो dorsal horn produce कर रहा है और दो ventral horns भी produce कर रहा है. And what happens due to this dorsal and ventral horns, your spinal cord or white matter, remaining जो portion बचा हुआ है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे जो दिख रहा है. Okay,
ये आपका व्हाइट मैटर है. तो व्हाइट मैटर कैन बी डिवाइडेड इन थ्री कॉलम्स. ग्रे मैटर की वजह से मैं बोल रहा हूं, व्हाइट मैटर कितने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, तीन कॉलम में डिवाइड हो जाएगा. उसमें ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है आपको, दिस इज द डॉर्सल कॉलम. ऊपर है इसीलिए उसको क्या नाम देंगे हम, डॉर्सल कॉलम. ये जो साइड में आपको दिख रहा है, आई विल कॉल इट एज अ लैटरल कॉलम. ओके, और ये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है, दिस विल बी नोन एज अ वेंट्रल कॉलम. बहुत सिंपल है, ऊपर का डॉर्सल कॉलम है, ये आपका लैटरल कॉलम्स होते हैं, और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा कॉलम है, वेंट्रल कॉलम है. ओके, ये समझ में आ गया होगा. वन मोर पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है, द कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस. जो व्हाइट मैटर का कॉलम होता है उसको आप और क्या बोल सकते हो, फ्यूनिकुलस ऐसा भी बोल सकते हो. ओके, तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड में आपको इतने ही पॉइंट्स कवर करने हैं, और ये सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है. ओके, ये तो सबको पता है कि जो आउटर कवरिंग होती है वो मेनिंजिस है. तो ये बाहर की तरफ हमको मेनिंजिस दिख रहे हैं. मेनिंजिस के अंदर तीन लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, वो भी आपको दिख रहा है. ओके, देन अंदर के साइड में मैंने बोला हिस्टोलॉजिकली द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली टू पार्ट्स, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन द सेंटर अराउंड द सेंट्रल कैनल. ओके, इट फॉर्म्स अ यस शेप स्ट्रक्चर. यस शेप स्ट्रक्चर में दो डॉर्सल हॉर्न्स होते हैं और दो वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं, और इन डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स की वजह से जो व्हाइट मैटर है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, ओके, वो कितने कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है, तीन कॉलम्स में. उसमें पहला है आपका डॉर्सल कॉलम, दूसरा है आपका लैटरल कॉलम, और फिर है आपका वेंट्रल कॉलम. द कॉलम कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस. कॉलम को हम और क्या बोल सकते हैं, फ्यूनिकुलस ऐसा भी बोल सकते हैं. जो कैविटी होती है उस कैविटी को हमने सेंट्रल कैनल बोला है, एंड दिस सेंट्रल कैनल इज फील्ड विद सीएसएफ. ये जो सेंट्रल कैनल होता है ये किससे भरा होता है, सीएसएफ से भरा होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है. सिंपल. ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. अगर यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो फटाफट. ओके, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. यहां पे हमने आपका सीएनएस खत्म कर दिया है. पहला डिवीजन जो है आपके नर्वस सिस्टम का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड इट इज कॉल्ड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो चलो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. अगले टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेंगे. यस, बाकी के लोगों ने भी रिप्लाई करना है. सिर्फ चार पांच लोगों के रिप्लाई मुझे दिख रहे हैं यहां पे बोर्ड के ऊपर. यस, फटाफट रिप्लाई करो. ठीक है, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट नहीं है. वेरी गुड. चलो तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्टकट में जिसको क्या बोलेंगे हम, पीएनएस. ओके, तो फिलहाल आपने अभी स्टडी किया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आता है आपका ब्रेन. ओके, बैक साइड से इसका व्यू शो करने की कोशिश करूंगा मैं, और फिर ब्रेन के बाद ये जो अगला पार्ट है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड. सिंपल. तो ये जो दोनों है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये आपका ब्रेन है, और यहां पे मैंने क्या शो किया है, आपका स्पाइनल कॉर्ड शो किया हुआ है. तो बोथ आर द पार्ट्स ऑफ सीएनएस. व्हाई सीएनएस? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी. ये आपके बॉडी के कहां पे प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है. इसीलिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, सीएनएस, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा बोल रहा हूं. अभी होता क्या है, देर आर नंबर ऑफ नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम यूर ब्रेन. आपके ब्रेन से ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स बाहर आएंगे. ओके, जो पेरिफेरल साइड में जाने वाले हैं, दे माइट बी कनेक्टेड टू यूर आईज, यूर ईयर्स, यूर टंग, यूर जॉज. ओके, एंड देर आर सम नर्व्स विच आर ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड.
स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व फाइबर्स अराइज होंगे इस तरह. ओके सो ये जो है द नर्व फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एज वेल एज वॉट स्पाइनल कॉर्ड दे फॉर्म्स यूर पीएनएस. क्योंकि ये पेरिफेरल साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. जो सेंट्रल एक्सिस पे है वो सीएनएस है. ओके अभी जो वहां से पेरिफेरल साइड में जा रहा है वो क्या होगा आपका पीएनएस. सो माई पॉइंट इज दिस पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एक्चुअली नोन एज नर्व फाइबर्स. एंड द पॉइंट इज दीज नर्व फाइबर्स आर अराइजिंग आइदर फ्रॉम यूर ब्रेन और दे माइट बी अराइजिंग फ्रॉम यूर स्पाइनल कॉर्ड. ये जो नर्व फाइबर्स है दो जगह से अराइज हो रहे हैं, या तो आपके ब्रेन से या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड से. तो मैं बात करूंगा द नर्व फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन. दे आर वेरी पॉपुलरली नोन एज क्रैनियल नर्व्स. क्या बोलेंगे हम उनको? क्रैनियल नर्व्स ऐसा बोलेंगे. द नर्व फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम यूर स्पाइनल कॉर्ड दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स. आपकी पीएनएस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स से बनी होती है. ओके एक है आपके क्रैनियल नर्व्स और दूसरे हैं आपके स्पाइनल नर्व्स. मैं बोल रहा हूं जो क्रैनियल नर्व्स है दे आर अराइजिंग फ्रॉम यूर ब्रेन और जो आपके स्पाइनल नर्व्स है दे आर अराइजिंग फ्रॉम यूर स्पाइनल कॉर्ड. इन ह्यूमंस यू कैन फाइंड 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. ह्यूमंस के अंदर आपको क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर्स देखने को मिलेंगे? 12 पेयर्स देखने को मिलेंगे. और स्पाइनल नर्व्स की अगर बात कर रहे हैं सो देर आर टोटल हाउ मेनी पेयर्स? 31 पेयर्स. तो ये 12 पेयर्स कौन से हैं, उनका नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, इसके लिए एक टेबल है. वो टेबल हम पढ़ने वाले हैं. उसके लिए याद करने के लिए एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूँ. ओके लेकिन फिलहाल आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था पीएनएस कंसिस्ट ऑफ मेनी लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक एंड फाइबरस स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज नर्व फाइबर्स. और ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. द नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स. इन ह्यूमंस देयर आर हाउ मेनी पेयर्स? 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. द नर्व फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स. और इस स्पाइनल नर्व्स के टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स आर देयर. ओके तो चलो अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. ओके एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. ओके तो ये टेबल आपके सामने आपको दिख रहा होगा. देखो 12 पेयर्स है. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सारे पेयर्स को आपको सीक्वेंस में याद रखना है. ये क्लियरली विजिबल है सब लोगों को? यस जल्दी जल्दी, इज इट विजिबल? ठीक है चलो. तो जो टोटल 12 पेयर्स है, वेरी गुड. तो मैं बता रहा हूं कि यहां पे देखो फर्स्ट नंबर पे कौन सा पेयर है आपका? ऑल्फैक्ट्री. ऑल्फैक्शन का मतलब मैंने बताया था. ओके ये आपके स्मेल से रिलेटेड है. इसका नेचर यहां पे लिखा है सेंसरी. ओरिजिन दिया हुआ है. ओके देन ऑर्गन इनर्वेटेड. ऑर्गन इनर्वेटेड का मतलब ये कौन से ऑर्गन को कनेक्टेड होता है? ओके और जस्ट अ मिनट, ठीक है. सो मैं बोल रहा हूं ये जो ऑर्गन इनर्वेटेड की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्गन यहां पे इनर्वेटेड है, इसके लिए मतलब वो कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, ये यहां पे दिया हुआ है. और बाद में उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में मेंशन किया गया है. तो सबसे पहला जो आपका क्रैनियल नर्व है, द नेम ऑफ द क्रैनियल नर्व इज ऑल्फैक्ट्री. सेंसरी मोटर मिक्स क्या होता है ये समझा देता हूं दो मिनट में. ओके ठीक है. ओके सो देखो यहां पे शो करने की कोशिश करता हूं. जस्ट दो मिनट के लिए होल्ड करना है. एनोटेट. एनोटेट एनोटेट एनोटेट
एनोटेट. जस्ट अ मिनट, होल्ड करना है थोड़ा सा, ये बोर्ड नया है इसलिए सेटिंग्स लर्न करने में थोड़ा टाइम जा रहा है. व्हाइट बोर्ड ठीक है. चलो आपको मैं यहीं पे समझा देता हूं. ओके, ये जो चार्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएगा. ओके, और ये जो कंसेप्ट है आपका, ये सिंपल सा कंसेप्ट है. पहले तो एक शॉर्टकट बता देता हूं इसको याद रखने के लिए. ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी, ये सेंटेंस याद रखना है. ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स सेइंग हेलो. सो सिंपल है. ओके, ये है आपका नंबर वन, ये है आपका नंबर सेकेंड, देन नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, बाद में आएगा आपका नाइन्थ, फिर ये है टेंथ, फिर है एलेवेंथ, और ये है आपकी ट्वेल्थ क्रैनियल नर्व. ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये सेंटेंस हमको याद रखना है. ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स सेइंग हेलो. ये जो ऑन है यहां से हम याद रखेंगे द फर्स्ट name or the first pair of cranial nerve is named as olfactory. Okay, jo dusra hai wo hai aapka optic. Okay, and finally aata hai aapka oculomotor. Okay, to olfactory hai, optic hai, baad mein aayega aapka oculomotor. Okay, party ka jo p hai yahan se hum yaad rakhenge pathetic, isko trochlear aisa bhi bola jata hai. Okay, then aage ye jo t hai the, ओके यहां से आपको याद रखना है ट्राइजेमिनल. ट्राइजेमिनल के बाद ए जो है ये है आपका एब्ड्यूसन्स. उसके बाद फेसेस के लिए जो है वो है आपका फेशियल. आर का जो ए है दिस गोज फॉर ऑडिटरी. ओके, गर्ल्स का जो जी है इट गोज फॉर ग्लॉसोफेरेंजियल. ओके, उसके बाद विजिटर्स का जो वी है इट गोज फॉर वैगस. Saying का यस जो है इट गोज फॉर स्पाइनल एसेसरी. एंड फाइनली हेलो का जो यच है इट गोज फॉर हाइपोग्लॉसल. सिंपल. सो दीज आर द नेम्स, इस तरह याद रखना है. ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन्स, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल. ओके, अभी इसका जो नेचर है, नेचर आपको याद रखना है. जैसे मैंने बोला कि कुछ नर्व्स होते हैं जो इंपल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से आपके सीएनएस तक लाते हैं. जैसे मान लो कि कोई पिनप्रिक कर रहा है, तो पिनप्रिक इज अ स्टिमुलस जो स्किन रिसीव कर रही है, और ये स्टिमुलस मेरे स्किन से कहां तक लेके जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड तक. तो ये काम करने वाला होता है सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी का मतलब समझ लो, इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सीएनएस. अगर रिसेप्टर टू सीएनएस वो मैसेज को लेके जा रहा है तो उसको आपको बोलना है सेंसरी न्यूरॉन. कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो इंपल्स को सीएनएस से लेके जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन तक. अगर वो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जा रहा है, ओके, तो उसको आपको बोलना है मोटर न्यूरॉन. क्या बोलना है उसको? मोटर. और कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों का काम कर सकते हैं, तो उनको आप बोलते हो मिक्स न्यूरॉन्स. ये मैंने आपको 11th में पढ़ाया था एनिमल टिश्यू में,
जब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था, एक बार वो भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, ये अभी के लिए मैंने बता दिया। तो नेचर भी हमको याद रखना है, और उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेंसरी सेंसरी, मोटार मोटार, मिक्स्ड मोटार, सेंसरी सेंसरी, मोटार मोटार, मिक्स मोटार, मिक्स्ड सेंसरी, उसके बाद आता है मिक्स मिक्स, फाइनली आता है मोटार और मोटार। ओके, वापस ये टोटल 12 हो गए हैं, तो यहां पे लिख देता हूं, सेंसरी सेंसरी, मोटार मोटार, मिक्स मोटार, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटार मोटार, मतलब पहले दो पैर सेंसरी है, आगे के दो मोटार है, फिर ये मिक्स है, फिर मोटार है, फिर मिक्स, फिर सेंसरी, बाद में मिक्स्ड मिक्स्ड, एंड फाइनली मोटार मोटार। मैं बोल रहा हूं ये आपको मगअप करना पड़ेगा, ये मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा फास्ट इसको मैं रिसाइट करता हूं, सेंसरी सेंसरी, मोटार मोटार, मिक्स मोटार, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स, मोटार मोटार, याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। ओके, अभी ये जो ऑल्फैक्टरी है, ऑर्गन इनर्वेटेड, मतलब ये कौन से ऑर्गन को कनेक्टेड होगा। ओके, किस, मतलब ये जो नर्व है ब्रेन से निकल रही है और कहां पे कनेक्टेड है, तो ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड विद स्मेल, अगर स्मेल से रिलेटेड है तो इसका कनेक्शन होगा किसके साथ, आपके नोज के साथ, और अगर ये नोज को कनेक्टेड है, द फंक्शन विल बी टू कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल, ये आपके स्मेलिंग के सेंस को कंट्रोल करेगी। ऑप्टिक जो है आईज से रिलेटेड है, इट इज कनेक्टेड टू द रेटिना ऑफ यूर आई एंड इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ विजन, ये आपके विजन के सेंस को कंट्रोल कर रही है। बाद में आपका ऑक्यूलोमोटर है, उसके बाद ये ट्राइजेमिनल है, फिर आपका एब्ड्यूसेंस है, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल एंड एब्ड्यूसेंस, दे आर ऑल रिलेटेड विथ, और यू कैन से इनर्वेटेड विथ यूर आई मसल्स, कंट्रोलिंग द रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ योर आईबॉल्स, ये आपके आईबॉल्स के मूवमेंट को या रोटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो पैथेटिक की बात कर रहे हैं, इट इज कनेक्टेड टू यू कैन से यूर फेस, ये आपके फेस के ऊपर कनेक्टेड होगा, उसी तरह फेशियल है, तो फेशियल मतलब ये आपके फेशियल मसल्स को कनेक्टेड होगा, इट इज गोइंग टू कंट्रोल यूर फेशियल एक्सप्रेशंस। उसके बाद है आपका ऑडिटरी, ऑडिटरी लिसनिंग से रिलेटेड है। ओके, तो इट इज रिलेटेड और इनर्वेटेड विथ यूर ईयर, इट कंट्रोल सेंस ऑफ हियरिंग एंड बॉडी बैलेंसिंग। आगे है ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसा का मतलब है टंग, फेरेंजियल का मतलब है फेरिंग्स, तो ये आपके टंग को और फेरिंग्स को कनेक्टेड है, तो ये जनरली सेंस ऑफ टेस्ट को कंट्रोल करेगा, फेरिंग से है तो इट कंट्रोल स्वेलोइंग। ओके, उसके बाद वैगस, ये ध्यान में रखना है, लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व है, ये आपके ब्रेन से निकल के डायरेक्टली आपकी किडनीज तक भी जा सकती है, यहां तक आपने देखा ऊपर के जितने भी थे, या तो वो ब्रेन से निकल के आंखों में, नाक में, आपके माउथ में, फेस के ऊपर कनेक्टेड है, यहां से नीचे नहीं गए थे, लेकिन वैगस ऐसी नर्व है जो ब्रेन से निकल के लिटरली आपकी किडनीज तक पहुंच सकती है, तो मैं बोल रहा हूं लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व है, और ये सारे विसरल ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद जो है आपकी स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी से याद रखना है शोल्डर मसल, एस स्पाइनल, तो ये शोल्डर मसल, नेक, लोअर जॉ, तो मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ, मूवमेंट ऑफ नेक, मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कर रही है आपकी स्पाइनल एसेसरी। फाइनली है आपकी हाइपोग्लॉसल, हाइपो का मतलब होता है बिलो, ग्लॉसा का मतलब होता है टंग। ओके, तो ये टंग के नीचे कनेक्टेड होती है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ योर टंग, आपके टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है, ये मैंने रफली बताया हुआ है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो आपको नोट्स फॉरवर्ड किए वहां पे एक प्रॉपर टेबल है, उसके अंदर इस नर्व का नाम, उसका नेचर, उसका इनर्वेशन और उसका फंक्शन सब कुछ मेंशन किया हुआ है, रफली आपको इसके थ्रू जाना है, और मैं बोल रहा हूं कि ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा राइट द नेम ऑफ फिफ्थ क्रैनियल नर्व एंड नाइन्थ क्रैनियल नर्व, तो फिफ्थ का नाम है ट्राइजेमिनल, नाइन्थ का नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पैथेटिक, तो ये पता होना चाहिए कि ये कैसा है, पैथेटिक मतलब चार नंबर की है तो मोटर है। ओके, तो ये सारी चीजें पूछे जाती है, नंबर वाइज सिक्वेंस वाइज याद रखना है, इसको ऊपर नीचे करके नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरह ये प्रॉपरली आपको याद रखना है। ओके, आई रिपीट दिस, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स सेइंग हेलो। ओके, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबर ऑल द 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ओके, थोड़ा सा अगर आपको नाम भी याद होगा तो ये नाम के थ्रू भी आप इसको रिसाइट कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है आपके स्पाइनल नर्व्स। ओके,
तो टोटल स्पाइनल नर्व्स मैंने बोला अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स प्रेजेंट है, 31 पेयर्स हैं, ओके। और अभी कुछ लोगों को टेंशन आ गया होगा कि सर इतने 31 नाम हमको याद रखने क्या, नहीं, दे आर डिवाइडेड इन फाइव ग्रुप्स। ये जो 31 पेयर्स हैं इनको हम पांच ग्रुप में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी लोकेशन। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है, ओके सॉरी, पहला जो ग्रुप है इसके अंदर वो है आपका सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। यहां पे लिख देता हूं द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। जो दूसरा ग्रुप है उसको मैं नाम देने वाला हूं थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, ओके। देन जो तीसरा ग्रुप है उसको हम नाम देंगे लंबार स्पाइनल नर्व्स, ओके। देन आफ्टर जो फोर्थ ग्रुप है उसको हम नाम देने वाले हैं सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, एंड द लास्ट वन नंबर फाइव इज कॉल्ड कॉसिजियल स्पाइनल नर्व्स। तो ये टोटल कितने ग्रुप हो गए, पांच, ओके। पहला है सर्वाइकल, दूसरा है थोरैसिक, तीसरा है लंबार, फिर आता है सैक्रल, और लास्ट में आता है आपका कॉसिजियल। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द बॉडी रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ये जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होते हैं दे आर फाउंड इन योर नेक रीजन। कहां पे पाए जाते हैं, आपके नेक रीजन में। ये जो थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स की हम बात कर रहे हैं दे आर फाउंड इन द चेस्ट। चेस्ट मतलब बैक साइड इमेजिन करना है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है बैक साइड में प्रेजेंट है। तो जो चेस्ट का पोर्शन है पीछे की तरफ, ओके, वहां पे आपको मिलेंगे थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, ओके। देन बाद में आपका जो अपर एब्डोमिनल रीजन है, इस अपर एब्डोमिनल रीजन में पीछे की तरफ कौन से होंगे आपके, लंबार, ओके। देन जो आपका लोअर एब्डोमिनल रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे कौन से, सैक्रल। एंड फाइनली जो स्पाइनल कॉर्ड की टेल है, सो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी कौन से, कॉसिजियल स्पाइनल नर्व्स, ओके। फाइनली हम बात करने वाले हैं इसके नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं, तो आपके सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स टोटल 8 इन नंबर, 8 होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं, ओके। आपके थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स होते हैं टोटल 12 पेयर्स, लंबार स्पाइनल नर्व्स आर 5 पेयर्स, सैक्रल के भी होते हैं 5 पेयर्स, और कॉसिजियल के होते हैं 1 पेयर। सो इफ यू मेक अ टोटल ऑफ दिस देयर आर इन ऑल टोटल हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31, 12 प्लस 8 इज 20, 5 प्लस 5 10, सो 30 हो गया, और नीचे का 1, जो कितने हो गए टोटल आपके, 31 पेयर्स है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, ओके, नंबर पता होना चाहिए, उसका बॉडी रीजन पता होना चाहिए। एंड फाइनली इन सारे पॉइंट से वी कैन प्रोड्यूस वन स्पाइनल नर्व फॉर्मूला। हम क्या बना सकते हैं, एक स्पाइनल नर्व का फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके, वो फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं, ओके। सो इसको भी पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे इसको, ओके। मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर हम बनाएंगे एक स्पाइनल नर्व फॉर्मूला, ओके। और ये बनता है, देखो पहला कौन सा है आपका, सर्वाइकल, सर्वाइकल के लिए मैं यूज करूंगा सी, ओके, नंबर कितना है उसका, 8। दूसरा है आपका थोरैसिक, इसके लिए हम यूज करेंगे टी, नंबर कितना है, 12। लंबार के लिए मैं यूज करूंगा एल, इसका नंबर है 5, ओके। उसके बाद सैक्रल के लिए हम यूज करेंगे एस, द नंबर इज वंस अगेन 5, ओके। और कॉसिजियल के लिए हमको यूज करना है CO and the number is 1। तो ये जो आपके बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है C8, T12, L5, S5, CO1, this is a spinal nerve formula for human body। ये हमारे बॉडी के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, स्पाइनल नर्व फॉर्मूला, ओके। और ये यहां पे खत्म होता है आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज PNS, जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी खत्म हो चुका है, ओके। एक सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक यहां पे हम पढ़ लेंगे और आज के लेक्चर को खत्म करेंगे, ओके। और जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। इस स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं, ओके। फिलहाल थोड़ी देर पहले आपने स्पाइनल कॉर्ड के हिस्टोलॉजी को स्टडी किया, मैं वापस एक बार ये डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्पाइनल कॉर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है,
जस्ट अ मिनट, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ओके, कुछ इस तरह से दिखेगा। देन ये अंदर की तरफ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर ग्रे मैटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ओके, कि यहां पे ये जो ऊपर के दो स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका सेंट्रल कैनल है, ओके, ये जो ऊपर के दो स्ट्रक्चर है उनको क्या बोल रहे हैं हम, डॉर्सल हॉर्न्स, और नीचे के जो दो स्ट्रक्चर्स है उनको क्या बोल रहे हैं हम, वेंट्रल हॉर्न्स, ओके। डॉर्सल हॉर्न से बाहर एक स्ट्रक्चर निकलेगा एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज डॉर्सल रूट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको, डॉर्सल रूट ऐसा बोलना है। सिमिलरली आपके वेंट्रल हॉर्न से भी एक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा और ये जो स्ट्रक्चर अभी बाहर निकल रहा है दिस इज नोन एज वेंट्रल रूट, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट विल फ्यूज विद ईच अदर। ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। ये जो स्ट्रक्चर अभी बना है इसको आपको क्या बोलना है, स्पाइनल नर्व ऐसा बोलना है, सिंपल, ओके। सो सॉरी, इसको इस तरह से रख देता हूं, ओके। तो मैं बोल रहा हूं ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट है और वेंट्रल रूट है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, और फ्यूज होने के बाद क्या बन रही है आपकी, स्पाइनल नर्व बन रही है, ओके। सो कंसेप्ट ये है, वापस एक बार इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, चलो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। ये यहां पे आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसी तरह इसको बना लेते हैं। इमेजिन करना है, ये आपका डॉर्सल हॉर्न से बाहर निकलेगा डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल हॉर्न से बाहर आएगा आपका वेंट्रल रूट, डॉर्सल और वेंट्रल रूट एक दूसरे के साथ जब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा आपका स्पाइनल नर्व, इसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे हम। सो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नाउ पॉइंट इज Each spinal nerve further divides into three branches. हर spinal nerve आगे कितने branches में divide होगी? तीन branches में। इसका सबसे पहला जो branch है, this is called ramus dorsalis. First branch को क्या नाम देना है आपको? Ramus dorsalis, which innervates or enter the skin and muscles of dorsal side of the body. जो आपके body के skin और muscles में enter करने वाला है, लेकिन कौन से side में? Dorsal side में enter करेगा. Okay. उसके बाद अगला जो है वो है आपका रैमस वेंट्रलिस, दूसरी ब्रांच, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू एंटर द स्किन एंड मसल्स ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के स्किन और मसल्स में एंटर करेगा कौन साइड के, वेंट्रल। वेंट्रल इज योर फ्रंट साइड, डॉर्सल इज योर बैक साइड। डॉर्सल मतलब बैक साइड है, वेंट्रल मतलब आपका फ्रंट साइड है, तो ये समझना है, ओके। एंड फाइनली लास्ट ब्रांच जो आपको है उसको नाम देना है रैमस कम्युनिकेंस। ये आपकी लास्ट ब्रांच है एंड दिस रैमस कम्युनिकेंस इज कनेक्टेड टू सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये रैमस कम्युनिकेंस आगे किसको कनेक्टेड होता है? सिंपैथेटिक गैंग्लियन को। फिलहाल इतना ध्यान में रखो, दिस सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज अ पार्ट ऑफ एनस। ये आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपल, ओके। तो ये कंसेप्ट है आपके फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व का। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, जैसे मैंने बोला कि ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ dorsal root and ventral root of spinal cord. Dorsal root arises from dorsal horn, ventral root arises from ventral horn. Dorsal and ventral root fuses in the neural canal. कहां पे fuse होते हैं वो भी पूछा गया है। Neural canal में fuse होंगे और fuse होने के बाद बन जाएगी spinal nerve.
और स्पाइनल नर्व आगे कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी? तीन, रैमस डोर्सालिस, रैमस वेंट्रालिस एंड रैमस कम्युनिकेंस। रैमस डोर्सालिस विल एंटर द स्किन एंड मसल्स ऑफ डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, रैमस वेंट्रालिस विल इनर्वेट और एंटर द स्किन एंड मसल्स ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और रैमस कम्युनिकेंस आगे किसको कनेक्टेड होगा? सिंपैथेटिक गैंग्लियन को, विच इज अ पार्ट ऑफ यूर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डॉर्सल रूट के अंदर ऑलवेज यू कैन फाइंड अ सेंसरी न्यूरॉन। हमेशा कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी। और वेंट्रल रूट के अंदर ऑलवेज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोटार न्यूरॉन। ये बदलेगा नहीं, ये दिमाग में फिट करना है। बहुत बार पूछा भी गया है कि डॉर्सल रूट में कौन सा न्यूरॉन होता है, तो कौन सा न्यूरॉन होगा? हमेशा सेंसरी होगा। और अगर पूछ रहे कि वेंट्रल रूट में कौन सा है, तो मोटार है। अभी सेंसरी और मोटार कंबाइन हो रहे हैं, तो स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। ऑल द 31 पेयर्स, जितने भी आपके स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स है? 31 पेयर्स है। सारे के सारे जो है वो मिक्स होते हैं। मतलब यहां पे आपको ये भी झंझट नहीं है याद रखने का कि कौन सी पेयर सेंसरी है, कौन सी मोटार है और कौन सी मिक्स है। मैं आपको वापस एक बार बोल रहा हूं, स्पाइनल नर्व के जितने भी 31 पेयर्स है सबका नेचर मिक्स्ड होता है। इसके पीछे का रीजन बहुत बार पूछा गया है, गिव रीजन। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर, द रीजन इज एक्सट्रीमली सिंपल। ओके, इट इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट ऑलवेज कंटेन्स अ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटार, सॉरी, वेंट्रल रूट ऑलवेज कंटेन्स अ मोटार न्यूरॉन। सेंसरी और मोटार दोनों मिक्स होने के बाद बन रहा है, तो सारे के सारे स्पाइनल नर्व जो होते हैं उनका नेचर जो है वो कैसा होता है? मिक्स्ड होता है। और यहां पे जैसे मैं बोल रहा हूं, ओके, वी आर कंप्लीटिंग यूर सेकेंड डिविजन, सेकेंड पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ यूर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तब पूछ सकते हो, यस। क्षितिजा को समझ में आ गया है, वेरी गुड। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यस। समझ में आ गया है सब लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट। श्रुति, रुंदा, आयुषा, वेरी गुड, अमोदी, रुपेश, धवल, ओमकार, क्षितिजा, मिलिंद को भी समझ में आ गया है, दिव्यानी को समझ में आ गया है, वैष्णव, यस वैष्णव, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, यस क्षितिजा, इट्स मोर देन सफिशिएंट इफ यू स्टडी ओनली नोट्स। नोट्स को भी पढ़ेंगे तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट आई एम सेइंग यू। ओके, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना ही प्रॉपरली करो। जयदीप को समझ में आ गया है, साक्षी, प्रेम, क्या बात है, शुभम, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट, चलो। यस, धीरज को समझ में आ गया है, प्रतीक, मानसी पूछ रही कि सर एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी का मीनिंग सेम होता है क्या? एक्चुअली हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का स्टडी होता है हिस्टोलॉजी का मतलब। ओके, और एनाटॉमी का मतलब जो है, ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब हमने टीएस लिया है तो टिश्यूज पढ़ रहे हैं तो हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एनाटॉमी भी है। ओके, मीनिंग सेम नहीं है, लेकिन अगर टिश्यूज को स्टडी करना है तो एनाटॉमी लेना ही पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के बाद ही आप टिश्यूज का स्टडी कर सकते हो। सो दोनों का मीनिंग अगर हम सेपरेट करके देखते हैं तो हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज, एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक मानसी ये समझ में आ गया होगा, यस। ओमकार, आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटर ऑनलाइन लर्निंग को कैसे बनाया जाए। ओके, वी आर कंटिन्यूअसली अपडेटिंग आवर सेल्फ, कंटिन्यूअसली अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम भी नए हैं, इंटरएक्टिव पैनल जो है वो दो चार दिन पहले ही लगा हुआ है, सो शायद आपको थोड़ा सा ये दिखा भी होगा कि हम भी अभी प्रॉपरली इसको यूज टू नहीं हुए हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं, आपके लिए हम भी सीख रहे हैं। ओके, दो चार दिन के बाद हमको भी ये पूरा समझ में आ जाएगा, सो दैट ये और इफेक्टिवली ले सकते हैं हम।
चलो और कुछ भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट। ठीक है चलो, आई थिंक डाउट्स खत्म हो गए, नोट्स यहां तक कंप्लीट कर लो। ओके, अगला जो पार्ट होगा वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।